चुनाव में धांधली हुआ है, धांधली हुआ है, इसके खिलाफ आप लोग कहाँ जाइएगा? बड़ा अधिकारी के पास। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद। अमनौर प्रखंड के अमनौर कल्याण पंचायत के उप मुखिया के विरुद्ध लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव कोरम के अभाव में बिना चर्चा के ही खारिज हो गया। आपको बता दें कि 2 फरवरी को उप मुखिया के विरुद्ध 10 वार्ड सदस्यों ने पंचायत सचिव को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की मांग किए थे, जिसके आलोक में गुरुवार को पंचायत सचिव की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 15 वार्ड सदस्यों में मुखिया समेत मात्र 7 वार्ड सदस्य ही उपस्थित हुए। उप मुखिया विकास कुमार सिंह भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं पंचायत सचिव राजेश्वर प्रसाद ने 1/3 बहुमत नहीं होने के कारण कोरम के अभाव में इसे खारिज कर दिया, जिससे उप मुखिया विकास कुमार सिंह की कुर्सी बरकरार रह गई। इधर प्रतिद्वंदी वार्ड सदस्यों ने न्यायालय का हवाला देते हुए पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी के पास एक लिखित शिकायत की है। इनका आरोप है कि जितने सदस्य उपस्थित थे उन्हीं के बीच से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई। जो आज अमनौर कल्याण में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा था तो ये सरकारी भवन पे, तो इस पर क्या सर डिसीजन निकला बताइए मुझे। डिसीजन यही निकला कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए जी हमको 9 सदस्य चाहिए जी, जिसमें मुखिया समेत है ना 7 सदस्य। अच्छा, तो 7 सदस्य गए, तो आपने और भी बाकी का कितने सर वार्ड हैं, वार्ड की संख्या कितनी है टोटल? 15। तो नोटिस सबको दिए थे या नहीं दिए थे? सबको दिए थे। तो अगर जो वार्ड अगर अवेलेबल नहीं हुआ, अभी ऐसा ही हुआ है ना तरैया प्रखंड में सर, अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो सस्पेंडेड हुआ, फिर से उसको चुनाव कराने की चर्चा हो रहा था, इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 15 वार्ड में अगर कोई नोटिस देने के बावजूद नहीं आता तो ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि इसी में करना है 9/6 जो करना है डिसीजन देना है आपको? नहीं सर, इसमें हमको उतना बहुमत हासिल करना है। फिर जो नहीं आया वो किसके पक्ष में था, कैसे डिसीजन आपने ले लिया? नहीं सर, तो फिर मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ सचिव महोदय कि ये आपने डिसीजन कैसे ले लिया, को किसके पक्ष में जाता? क्यों नहीं आया या कोई भी कारण से रीजन कोई बात नहीं, तो क्यों किसके पक्ष में जाता वोट, अपने डिसीजन कैसे ले लिया? क्यों नहीं, हमने तो नोटिस दिया था ना। अच्छा ठीक है, अब जो आए उसने अपने वोटिंग कराया? वोटिंग नहीं कराया। फिर अब 9 के आधार पे आपने जो जजमेंट दिया, तो जो नहीं आए अपने डिसीजन कैसे ले लिया, उस पर क्यों क्या करते, वो किस पक्ष में जाते, वो पक्ष में जाते कि विपक्ष में जाते, आपने कैसे मान लिया? हम तो नोटिस दिए थे ना। ठीक है, नहीं आना उनका काम है। अच्छा, तो प्रोसीडिंग सर हो चुका है, सब सिग्नेचर हो चुका है आपका, प्रोसीडिंग लेटर चाहिए था, हो चुका है सर, प्रोसीडिंग से कुछ हो चुका है। धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। हाई कोर्ट का हो गया बैठ।